चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको गुड न्यूज बता देते हैं। दरअसल पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 10 रुपए सस्ता हुआ है। मोदी सरकार ने देशवासियों को दिवाली का तोहफा दिया है। बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है। राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट को घटा दिया है, जिससे सीधी राहत आम आदमी को मिली है। पेट्रोल डीजल के दाम घटने से लोगों को जो महंगाई की मार पड़ रही थी उससे अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और इससे अच्छा दिवाली का तोहफा केंद्र सरकार आम आदमी को नहीं दे सकती। देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे थे और ऐसे में ये बड़ी राहत आम जनता को। महंगाई पर मोदी का मास्टर स्ट्रोक। दिवाली पर सरकार का सुपर गिफ्ट। पेट्रोल पर 5 का पंच, डीजल पर 10 का दम। आज की दिवाली होगी राहत वाली। इससे बेहतर गिफ्ट आपको दिवाली की नहीं मिली होगी, जो आधी रात को केंद्र ने आवाम को दिया। केंद्र ने तेल में लगी आग की तपन को कम करने की कोशिश की है। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लग रहे एक्साइज कर को कम कर दिया है, जिससे पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये की राहत लोगों को मिली है। महंगाई पर लगाम लगाने की इस कोशिश में अब राज्य सरकारों का भी साथ मिलने लगा है। मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम जनता को दिवाली गिफ्ट दिया, तो उधर यूपी, उत्तराखंड, असम, गोवा, कर्नाटक, बिहार के मुख्यमंत्रियों ने भी वैट घटाकर लोगों को दिवाली का तोहफा दिया है। यूपी में डीजल और पेट्रोल के दाम 12-12 रुपए प्रति लीटर कम होंगे, जबकि गुजरात, असम, त्रिपुरा, कर्नाटक, गोवा और मणिपुर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में तत्काल प्रभाव से 7 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राज्य में पेट्रोल पर वैट 2 रुपए प्रति लीटर कम करने की घोषणा की है, तो बिहार में नीतीश सरकार ने पेट्रोल पर 1.5 रुपए और डीजल 1.90 रुपए की प्रति लीटर कटौती करने की घोषणा की है, जो केंद्र की कमी से इतर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी दाम कम करने के संकेत दे दिए हैं। यह उत्पाद शुल्क में की गई अब तक की सबसे बड़ी कमी है। इससे लोगों में भी खुशी है। मैं इसको एक नया तोहफा मानता हूँ सरकार का, और इस सरकार ने इतने तोहफे दिए हैं कि जो पहले कभी किसी सरकार ने नहीं दिए। और सरकार शायद ये सरकारी पहली आई है जो जनता के बारे में सोचती है। लोगों में खुशी है तो विपक्ष ने सरकार के इस फैसले का भी सियासी तोड़ निकाल लिया। कांग्रेस आंकड़ों का हवाला देते हुए कीमतें और कम करने की मांग कर रही है। मोदी नॉमिक्स या जुमला नॉमिक्स नहीं चलेगी। केवल साल 2021 में आपने पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए हैं वो है लगभग 2829 रुपया लीटर, और जो डीजल के दाम बढ़ाए हैं वो है 26 रुपया लीटर। केंद्र के इस फैसले के साथ ही मार्च 2020 से मई 2020 के बीच पेट्रोल और डीजल पर करों में 13 रुपए और 16 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि का एक हिस्सा वापस ले लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।